Assalamualaikum students i am your teacher simra this is your grammar's lecture and today we are going to start unit 7 punctuation comma this is page number 56 the date is 27th june 2020 write c.w for classwork and the day is saturday look at the pictures read the questions and answers pictures ko or aur question and answers ko read kerein. डू यू हैव अ पैट क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है no, नो आई मेरे पास नहीं है इज आपका लॉस डॉग जो है वो क्या एक पूडल है? ब्रीड ऑफ डॉग ओके डॉग्स की एक, एक नस्ल है मिस ली मे आई गो होम नाउ मिस ली क्या मैं घर जा सकती हूँ Yes, यू मे आप जा सकते हैं फादर मे आई गो टू द प्ले ग्राउंड नो यू मे नहीं आप नहीं जा सकते फादर अबू क्या मैं प्ले ग्राउंड जा सकता हूँ नहीं आप नहीं जा सकते अब now लिसन वी पुट अ कॉमा आफ्टर yes एंड नो no. Now हम पंक्चुएशन वॉट इज़ अ पंक्चुएशन पंक्चुएशन मीन्स जैसे हम बोल रहे हैं ये बोलने में तो मैं बोल रही हूँ यस इट इज़ पंक्चुएशन मीन्स कोई भी ऐसे वर्ड्स एनी वर्ड्स विच टेल यू द एक्सप्रेशन ऑफ अ सेंटेंस एक्सप्रेशन मीन्स कि आप वो सेंटेंस कैसे किस बारे में किस टोन में किस लहजे में बोल रहे हैं बोलने में तो पता चल जाता है वन एवर वी स्पीक एनी थिंग वी वी जस्ट टैन टू एक् वी टैन टू अंडरस्टैंड दोज एक्सप्रेशन एंड इमोशंस बट वेन एवर वी आर राइटिंग हाउ टू एक्सप्रेस आर इमोशंस वेन एवर वी आर राइटिंग वेयर टू पॉज वेयर टू वेयर टू स्टॉप where to tell more okay where to explain where to objectify where to command we use some symbols हम कुछ symbols means निशान यूज़ करते हैं ऐसे निशाना जैसे हमें पता चलते यहाँ पर रुक के बोला है यहाँ full फुल स्टॉप यहाँ पे बात ख़त्म हो गई है ओके okay? तो अब हम पढ़ें कॉमा के पंक्चुएशन मार्क्स में बहुत सारे मार्क्स आते हैं जैसे क्वेश्चन mark फुल स्टॉप बट नाव वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमा पंक्चुएशन में किसका पढ़े हम कॉमा का कि हमने कॉमा कहाँ लगाना है सो देर आर टू यूजेज ऑफ कॉमास वन एंड टू ओके दिस इज योर डेफिनेशन या आप याद कर लें डू डू लर्न दिस वी पुट अ कॉमा आफ्टर येस एंड नो एक तो हम कॉमा लगाते हैं येस yes या नो के बाद लुक नो कॉमा आई डोंट यस कॉमा इट इज यस You no, you comma यू may नो comma यू मे नॉट वी पुट अ comma आफ्टर वी एड्रेस someone और जब हम और कॉमा हम कब लगाते हैं जब हम किसी को बुलाते हैं लाइक मिसिज ली मिस ली कॉमा मिस ली का नाम ले रहे हैं ना जैसे मिस ली मे आई गो होम ना, क्या मैं घर जा सकता हूँ मिस ली कॉमा लगा दिया। फादर मे आई गो टू द प्ले ग्राउंड के अबू क्या अबू जान क्या मैं प्ले ग्राउंड जाऊँ क्या मैं मैदान में जाऊँ तो देर इज़ अ कॉमा जब हम फादर को बुला रहे हैं या मिसेस मिस ली को बुला रहे हैं तो हम कॉमा लगा रहे हैं तो कॉमा दो जगह यूज़ होता है एक तो यस और नो के आगे या फिर जब जब किसी का नाम ले रहे हो एड्रेसिंग अ नेम मींस एड्रेसिंग समवन मीन किसी को जब बुला रहे होते हैं ठीक है जैसे मैं बोलूँ अली वाट आर यू डूइंग तो जब मैंने बोल दिया अली के बाद मैं रुकी हूँ ना जब भी हम रुकते हैं तो कॉमा लगाते हैं तो जब मैं लिखूँगी तो मैं ऐसे लिखूँगी अली कॉमा वट आर यू डूइंग ओके मैंने अली को बुलाया है तो जब भी हम किसी को बुलाते हैं तो उसके बाद कॉमा लगा देंगे रीड एंड लर्न डू यू लाइक चॉकलेट येस कौमा आई डू ओके मैंने क्या कहा था यस और नो के बाद लगाते हैं इज दिस योर पैट डॉग यस कॉमा इट इज वो आम लेट यस्टरडे नो कौमा ही वॉजेंट is your brother a policeman no comma he isn't mother comma can we go to the pool yes comma you can yes jane can i borrow your book yes यू कैन ओके तो कॉमा कहाँ कहाँ यूज़ होता है एक तो यस और नो के बाद ये देखें यस कॉमा यस कॉमा नो कॉमा नो कॉमा यस कॉमा यस कॉमा एंड वन एवर वी आर एड्रेसिंग समवन और वन एवर वी आर कॉलिंग समन जब हम किसी से मुखातिब होते हैं जैसे कि मदर के बाद कॉमा आ गया जेन के बाद कॉमा आ गया क्या यहाँ पर हम किसी को बुला रहे हैं डू यू लाइक नो इस नो नहीं इसमें भी नहीं बुला रहे इसमें भी नहीं तो वी आर एड्रेसिंग आर मदर एंड जैन ओके नेक्स्ट पेज So this is exercise number sixteen, and this is exercise number seventeen. I'm just gonna uh, solve half of these exercises, okay? Me exercise number sixteen be half solve karungi, or exercise number seventeen behalf half of solve karunggi. So page number fifty nine and page number sixty one will be for uh, is for you, will be your homework because it's important for you to practice these. Okay? Put the comma in the right place is mike your friend no he isn't okay no ke baad coma, is this your pet cat yes it is yes ke baad you, yes or no ke were you late yesterday kya aap kal late the? no i wasn't do you like ice cream yes i do yes ke comma was jane absent yesterday kya jane kal absent no she wasn't okay

तो हम नाम के बाद कॉमा लगाएंगे मिसिज ली देर इज़ अ टेस्ट मोरो तो मिसिज ली के बाद क्या आ गया मिसेस ली के नाम के बाद कॉमा मिस स्मिथ मिस्टर ली सॉरी मिस्टर ली मिस स्मिथ मे आई मे आई बी एक्सक्यूज मिस स्मिथ मीन्स के एक्सक्यूज मी ठीक है तो कॉमा। डॉक्टर आई हैव अ सोर थ्रोट डॉक्टर क्या मेरा गला ख़राब है कॉमा। Father, can we go for a swim? Father, क्या हम तैरने के लिए जा सकते हैं अबु कोमा? तो ये जब भी आप किसी को बुलाते हैं तो उसके बाद क्या आ जाएगा कोमा? And page number sixty one is also for your homework. I hope you get this concept. This was a very easy concept. And still, if you don't understand anything, you can ask any any sort of questions in in your group, okay? Now, till next class, Allah, is take care of yourselves.